फिलहाल अभी सरप्राइज पे फोकस कर। मुझे उसका नंबर और एड्रेस चाहिए। धोखा दिया है तुमने मुझे। जो भी हूँ जैसे भी हूँ मेरी मर्जी। तुम्हें मैं बहुत दूर भेज दूंगी। मेरी बहू को कहाँ ले जा रहे हैं? पुलिस ने समझा, रवि ने आत्महत्या कर। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उठिए राजकुमारी अंजलि, आपके उठने का समय हो गया। आपका सेवक आपकी चाय लेकर हाजिर है। हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो गए और आपकी चाय देने की याद अभी तक नहीं गई। ये प्यार है हमारा मैडम। अच्छा जी, सिर्फ चाय जितना? अभी तो शुरुआत है, पूरा प्यार दिखाना तो बाकी है। अंजलि, अंजलि जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आई बाबा, ये लो तुम्हारा टिफिन, पूरा खा लेना। पूरा खा लूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से ना रोज लेट हो जाता है मुझे। अच्छा जी, मेरी वजह से? अभी तक आपका दोस्त कमलेश तो आया नहीं और सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे। अरे मुझे मेरा नाम सुनाई दिया? तू भी ना आजकल रोज लेट आने लगा है। लगा रहता होगा किसी लड़की के साथ फोन पर। कमलेश भैया देख रहे हैं, सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हैं, जैसे ये तो कुछ करते ही नहीं है। चले तो भाभी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, वरना मुझे भी लिफ्ट देना बंद कर देगा। हाँ बैठ जल्दी। चलो चलो। ए भाई। यस। और मेरे नए नवेले दूल्हे, कैसे चल रही है शादीशुदा जिंदगी? जिंदगी तो ठीक चल रही है, लेकिन ये नया नवेला दूल्हा क्या है? शादी को हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। मतलब नई नई शादी इतनी जल्दी पुरानी भी हो गई? यहाँ लोग यार साल भर तो खुशियां मनाते। अरे तो खुश तो मैं भी हूँ, बस कह रहा हूँ और क्या। ना ना भाई, लगता है भाई को वापस रिफिल होने की जरूरत है। मतलब ये कि शाम को ऑफिस के बाद मेरे साथ आना, मतलब समझ में आ जाएगा। क्या प्लान है? यार सब अभी बता दूंगा तो शाम का मजा किरकिरा हो जाएगा। तू और तेरे सरप्राइज। ठीक है, आज की शाम तेरे नाम, लेकिन उससे पहले खत्म कर लेते हैं ऑफिस के काम। वे जरूरी है। चेयर्स। राजा भाई। अरे अंधेरा क्यों है, लाइट तो लगा। ये उजाला भी हो जाएगा, एक सेकंड। वेलकम होम। आज तूने कुछ ज्यादा ही पिला दी कमलेश, अंजलि बहुत गुस्सा करने वाली है। क्या यार, तू बात बात पे भाभी से डर जाता है यार। भाभी से भी डरना बंद कर, फिलहाल अभी सरप्राइज पे फोकस कर। क्या सरप्राइज है यार, तू सुबह से सरप्राइज सरप्राइज कर रहा है, कहाँ है सरप्राइज? अंदर तो जा, रूम में जाना यार। हाँ जाता हूँ।
शाम होठों पे लगाना फितरत है मेरी, और लोगों को अपने हुस्न से घायल करना आदत है मेरी। जी आप आप लैला नाम है मेरा। तुम्हारे दोस्त कमलेश ने भेजा है मुझे खास तुम्हारे लिए। तो बताओ कैसी खातिरदारी करूं मैं आपकी? जी मुझे कोई खातिरदारी नहीं करवानी है, प्लीज। मैंने क्या कर दिया? नो 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 शिट। क्या नहीं हो सकता? क्या हुआ? अरे क्या हो गया ब्रो, बड़ी जल्दी बाहर आ गया। ये कैसा सरप्राइज था कमलेश? मजा आया ना ब्रो? चुप कर यार, मरवाएगा तू मुझे। जा रहा हूं मैं घर। अरे रवि सुन तो सही यार, क्या हुआ? क्या हो गया उसको? कुछ नहीं यार, केस निकला पूरा, कुछ किए भी नहीं निकल गया। चलिए सब छोड़, मेरे पैसे निकाल। हाँ ना, तो पैसे मिल रहे हैं, जिस काम के लिए आई है वो तो कर लेना है। रवि रवि क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझसे छुपाओगे बताओ? और आज तुमने चाय भी नहीं दी। अंजलि वो कल रात ना मुझसे एक भूल हो गई। भूल मतलब? वो लेकिन अंजलि मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, मैं इस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। लेकिन वो शराब ही पी रखी थी ना, वो कमलेश ने मुझे ज्यादा शराब पिला दी, और इसी वजह से ना उसके अंदर मुझे तुम दिखाई दे रही थी, और मैंने उसे किस कर लिया। पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं शराब पीना भी छोड़ दूंगा। अंजलि अंजलि प्लीज, देखो तुम गुस्सा मत करना, तुम्हें मुझे जो सजा देनी है वो सजा दे दो, मैं कमलेश के साथ भी दोस्ती छोड़ दूंगा। तुम्हें जो नाराज। नाम क्या था उसका? लैला। लैला मुझे उसका एड्रेस, मुझे उसका नंबर और एड्रेस चाहिए, कहीं से भी लाकर। अंजलि मैं माफी मांग रहा हूँ ना। बोला ना, मुझे नंबर चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। मैं कमलेश को फोन करता हूँ। रवि का फोन? आ रवि यार, वो कल रात वाली लड़की का नंबर भेजना जरा। क्या भाई लैला का नंबर क्यों? कमलेश सवाल मत पूछ, नंबर भेज जल्दी। नंबर किस लिए मांग रही भाभी यार? अरे मुझे क्या पता यार, कमलेश मुझे तेरी बात सुननी नहीं चाहिए थी।
यार, जब कुछ किया ही नहीं है तो भड़क किस बात पे रही है? किस किया है मैंने? ए यार, तो किस करना कौन सा पाप हो गया? शादी शुदा लोग यार कसम से समझ में नहीं आते कभी कभी। चुप रहे यार कमलेश, और सिर्फ ये शुक्रमा ना मेरा घर ना टूटे किसी तरह। ओ भाई, मैं तो बस इतना मना रहा हूँ भाभी उसको ज्यादा परेशान ना करे, ना तुम्हारी छोड़ो मेरे पास भी आना बंद कर देगी वो। वाह कमलेश वाह। क्या कर रही हो? इसे मैं यहाँ लाई हूँ। अंजलि, क्या हो रहा है? तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? क्यों? तुम्हें हमारा सरप्राइज पसंद नहीं आया? अंजलि, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। रवि, हमारी जिंदगी में ना थोड़ी सी खुशियों की कमी थी, और वो खुशी पूरी करेगी लैला। मतलब ये रवि कि मैं तुम्हें पहले से बताना चाहती थी कि मम्मी पापा की मर्जी से मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन सच कहूं तो 3 महीनों में मैं एक बार भी खुश नहीं रह पाई। लेकिन जब तुमने मुझे लैला के बारे में बताया और मैं इससे मिली तो मुझे ये पसंद आ गई। यानी कि तुम? हाँ रवि, मुझे लड़के और लड़की दोनों पसंद है। क्या कह रही हो तुम अंजलि? रवि, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ना मेरी जिंदगी में ना कुछ खालीपन सा लग रहा था। रवि, हम तीनों एक साथ रहेंगे इस छत के नीचे और खुशी खुशी रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और आसपास के लोगों को हम यही बोलेंगे कि ये हमारी दूर की रिश्तेदार है। रवि, ज्यादा सोचो मत। देखो रवि, आज हम खुश हैं, लेकिन कल पता नहीं खुश रहे या ना रहे। लैला भी हमारे साथ रहना चाहती है, वो भी राजी है। रवि प्लीज मान जाओ मेरी खातिर। अंजलि, धोखा दिया है तुमने मुझे, और ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती आपको रवि, मैंने तो अपनी चाहत के बारे में अपने मम्मी पापा से भी छुपाया, तो आपको कैसे बताती? लेकिन रवि, अब आप मेरे पति हो, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, कोई धोखा नहीं देना चाहती। मैं लैला के साथ रहना चाहती हूँ, हम तीनों एक साथ रहेंगे, खुशी से साथ रहेंगे। प्लीज रवि, मेरी खुशियों की खातिर मान जाओ प्लीज। मैं उन्हें मना लूंगी।
अम्मा जी आप? और क्या, अरे भाई इतने दिन हो गए तुम लोगों से सिर्फ फोन पे बात करते करते, तो सेवा भी तो करवानी है। तो देखो टिकट कटवाई और आ गई। अरे अब देख क्या रही हो, आशीर्वाद तो लो। खुश रहो खुश रहो। कौन है अंजलि? अम्मा 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 पहला घूमो। खुश रहो बेटा। रवि कितने दुबले हो गए बेटा? नहीं नहीं अम्मा मैं ठीक हूँ। ये कौन है, पहले नहीं देखा मैंने इसे कभी। ये अम्मा। रवि किधर हो भाई? कमलेश फोन तो उठाओ यार। अम्मा अम्मा ये कमलेश और ये कमलेश की पत्नी लैला। अम्मा हाँ अम्मा जी। अरे खुश रहो खुश रहो। माता जी इनसे मिलिए, हमारी पत्नी लैला है। नमस्ते। अभी अभी हमारी शादी हुई है और हम लोग इस शहर में किसी को जानते नहीं हैं, तो जब तक हमें घर नहीं मिल जाता हम हमारे दोस्त रवि के घर पे रहने वाले। क्यों भाई? अम्मा दोस्त को जरूरत थी तो हमने मदद कर दी। अच्छा किया। अच्छा बेटा कमरे में चलते हैं, सामान रख दो, बहुत थक गई हूँ, आराम करना है। जी अम्मा जी चलिए। अम्मा जी देख लीजिए आपका कमरा, हमेशा की जैसे तैयार करके रखा है, और वैसे भी आप 6-7 दिन में तो चली जाएंगी। अरे बहू इस बार मैं पूरे 1 महीने यहाँ रहने वाली हूँ, गांव का सारा काम धाम निपटा के आई हूँ। अच्छा अम्मा जी मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा मैं आराम करती हूँ। क्या यार कमलेश तुझे ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम दोनों यहीं रहते हो? अरे तू क्या करता मैं यार, लैला को लेके अपने घर जाता क्या? वहाँ भी लोग रहते हैं यार, क्या जवाब देता उनको मैं? अरे रवि लेकिन तुमने ये कहकर तो मुश्किल और बढ़ा दी, अब जब तक अम्मा यहाँ पर है तब तक हम सभी को ये झूठा नाटक करना पड़ेगा। मैं क्या करता लैला, मुझे थोड़ी मालूम था अम्मा ऐसे अचानक आ जाएगी। पर देखो अम्मा कुछ दिन यहाँ रहेगी, उसके बाद वापस चली जाएगी, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अम्मा जी 1 महीने तक कहीं नहीं जाने वाली। ये तुमसे किसने कह दिया? अम्मा जी ने खुद बताया अभी। चलो भाई ये भी ठीक है, अब 1 महीने तक इस घर में रहने का और आनंद आएगा। अब बेटा। हाँ माँ। बीवी तो सुंदर है तुम्हारी, पर क्या ये कोई और धर्म की है? नहीं तो क्यों? वो क्या है ना, लैला नाम थोड़ा अजीब नहीं है क्या? नहीं अम्मा वो पुरानी फिल्मों ने गानों में इस्तेमाल करके अजीब कर दिया है। ये कितना प्यारा नाम है ये लैला, जब भी अपनी पत्नी को लैला नाम से पुकारता हूँ ना और भी प्यार उमड़ता है। क्या कर रहा हूँ मतलब? हाँ पहले तो तुम्हें बड़ा मजा आता था, अभी क्या इतनी नाटक कर रही हो? पहले काम था वो मेरा। अभी परमानेंट कस्टमर मिल गया है? भूलो मत तुम्हें इनसे मैंने ही मिलवाया था, और ये रवि तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा है, ये लोग भी ना तुम्हारे साथ मजे ही ले रहे हैं। ये पवित्र नारी बनने का ढोंग ना बंद करो। मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ मेरी मर्जी, मेरा जो मन करेगा ना मैं वही करूंगी, और मुझे तुम्हारे हिसाब से चलने की ना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है 1 महीने की बात है ना, 1 महीने बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे, ये 1 महीने के लिए ना मुझसे दूर रहना।
लैला के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी अजनबियों की तरह घर में रह रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं अंजलि, अम्मा को तो ये सब कुछ बता नहीं सकते ना। देखो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। हाँ ये लीजिए। अरे बेटा तैयार हो गए? जी अम्मा। लो प्रसाद लो। बस अब मुझे एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ लल्ला दे दो, इस दादी की इतनी इच्छा पूरी कर दो। ठीक है माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। अम्मा जी आपको पता है ऑफिस में रवि को सब इतना पसंद करते हैं ना, कभी कभी भाई मुझे भी बुरा लगने लग जाता है। अरे पहले अपने पति को तो परोसो, तुमने तो खुद ही खाना शुरू कर दिया। जी अम्मा। जरा सीखो हमारी बहू अंजलि से, देखो कैसे उसने पहले अपने पति को परोसा। और तुम, ना ही तुमने मंगलसूत्र पहना है ना ही तुमने मांग भरी है, सुहागने ऐसी होती हैं क्या? हाँ माँ जी कुछ सिखाइए इसको। मैं देखती हूँ। अरे आपने ये नहीं लिया? हाँ ये तो मेरा फेवरेट है। आप भी लीजिए ना। थैंक यू। सॉरी कमलेश भाई आप गलती से गिर गया, आप एक काम कीजिए ना रूम में जाकर चेंज कर लीजिए कपड़े। अरे आप लोग खाइए मैं चेंज करके आता हूँ। भाभी क्या हुआ? भाभी आप दरवाजा क्यों बंद कर? भाभी अरे क्या हुआ, क्या कर रहे हो ये, क्या है भाभी हटाओ से। क्या हुआ? देखा मैंने सब कि किस तरीके से मेरी लैला को तुम डाइनिंग टेबल के नीचे परेशान कर रहे थे। मैं तो बस उसको ऐसे ही छेड़ रहा था, कुछ सीरियस नहीं है। चुप, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे रवि और लैला की जिंदगी में ना खुशियां बहुत दिनों बाद आई है। अगर हम तीनों की खुशियों के बीच में आने की कोशिश की ना तो मैं बहुत दूर भेज दूंगी, समझे? हाँ मैं समझा। भाभी तू बताओ लग जाएगी। याद रखना। हाँ क्या आफत है ये, चंडिका थी ये पूरी? बेचारा रवि कैसे झेलता है, सीधा चाकू से बात करती है यार। इतनी रात को रवि और अंजलि के कमरे में क्या कर रही है? सॉरी लैला, हमारी अम्मा जी की वजह से तुम्हें इस घर में बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। सॉरी। वैसे भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, अम्मा जी कुछ दिनों बाद चली जाएंगी, उसके बाद सब पहले की तरह हो जाएगा। अच्छा छोड़ो ये सब, सोना भी तो है, अब लैला को भी थोड़ा आराम करने दो। आइए। मेरी आंखें खराब होगी, शायद मेरा वहम होगा।
वरना अगर लैला अंदर गई होती या तो रवि और अंजलि कुछ बोलते या लैला अब तक बाहर आ जाती। जरूर मेरा वहम ही है। दूध वाला ही आया होगा। लाओ भैया दूध दे दो। ठीक है माचे। अच्छा सुनो, आधा लीटर दूध ज्यादा देना। वो क्या है ना, अब तक तो यहाँ सिर्फ दो ही लोग रहते थे, अब मैं भी यहाँ रहूंगी एक महीने भर के लिए, तो दूध थोड़ा ज्यादा चाहिए। ले जी माजी। लेकिन माजी पहले यहाँ दो कहाँ, यहाँ तो तीन लोग रह रहे हैं ना, तभी तो उसी हिसाब से दूध दिया जाता था। अब आप आ गए हैं तो पूरे दो लीटर दूध दे दिया करूंगा माजी। तीन लोग? हाँ, तो एक मिनट लैला मैडम भी तो यहीं पे रह रही है ना, तभी तो उन्होंने दूध बढ़ाया था। नहीं, वो तो यहाँ हफ्ते भर से रह रही है अपने पति के साथ। अपने पति के साथ? अरे नहीं तो माजी, वो हम तो अंजलि मैडम बोली थी कि साहब के दूर के रिश्तेदार है और वो यहीं रहेंगी। ठीक है, अब तुम जाओ, ज्यादा खबरें ना रखा करो। एक महीने से यहाँ रह रही है बहू। हाँ माजी, आई। जी अम्मा जी। ये लैला यहाँ कितने दिनों से रह रही है? अम्मा जी आपको बताया तो था एक हफ्ते पहले से, वो कमलेश है ना, वही तो शादी करके लेकर आए हैं। अच्छा, लाइए दूध दीजिए, मैं गर्म करने रखती हूँ। क्या बात है, अम्मा नहीं है क्या घर पे? अम्मा जी मंदिर गई हैं। ठीक है अंजलि, सुनो ना, एटलीस्ट तुम तो कुछ करो। मैं कब तक ऐसी रहने वाली हूँ? और वो कमलेश तो सिर्फ राह देखता है कि कब मेरी नजर हटे, वो कब मुझे आके छू ले। मैं परेशान हो गई हूँ, मैंने रवि को भी कितने बार बोला पर रवि भी कुछ नहीं कर रहा। एटलीस्ट तुम तो कुछ करो ना। इस बार जो सिचुएशन आई है ना, वो दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। प्लान? गुरु मानना पड़ेगा तुझे, लोगों से यहाँ एक नहीं संभलती, तू दो दो संभाल रहा है। कलेजा चाहिए भाई। तुझे क्या लगता है कमलेश, ये सब कुछ मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ? अरे मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, वो ऐसा चाहती है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यही जिंदगी है तो यही सही। भाई क्या बोल रहा है यार, तू पागल हो गया क्या? मतलब अभी आज अम्मा आई है, कल को और रिश्तेदार आएंगे, आस पड़ोस के लोग पूछेंगे, क्या जवाब देगा सबको यार? और मैंने अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश की, वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूँ मैं? अरे भाई वो बेवकूफ है, तू तो नहीं है ना। देख अगर वो तुझे पसंद करती है ना, तो एक ना एक दिन उसे तेरे लिए डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। देख रही है अम्मा, आज अंजलि ने बिल्कुल आपकी पसंद के पराठे बनाए हैं। अच्छे। मजेदार। क्या हुआ अंजलि, तुम ठीक तो हो? क्या अम्मा, क्या हुआ अंजलि तुम्हें? तुमसे कितनी बार कहा है ना अंजलि, अपना ध्यान रखा करो, तुम नहीं सुनती हो। कर ली ना अपनी तबीयत खराब। अरे कोई तबीयत खराब वराब नहीं हुई है, भगवान ने मेरी सुन ली है, तू बाप बनने वाला है। सच अम्मा? हाँ। सच अंजलि? अरे बधाई हो रवि बाबू,
बहुत बहुत बधाई अंजलि। अब अंजलि तुम बिल्कुल आराम करोगी, घर का कोई भी काम नहीं करोगी, घर का सारा काम मैं और लैला संभाल लेंगे, है ना लैला? जी अम्मा। क्या कर रही हो? दवाई ली तुमने? देखा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। यहाँ बैठो, बैठो एक से। अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हो तुम। आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और सुनो, अम्मा एकदम ठीक कहती है, अब तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे होने वाले बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। समझ गई। एक बात कहूं? आप ना बहुत अच्छे हो। आपने मेरी खुशी की खातिर लैला को इस घर में रखा। मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरे हस्बैंड। आई एम सो हैप्पी। ये सब तो मैंने हमारे प्यार के लिए किया अंजलि, लेकिन अब हमारा बच्चा भी आने वाला है, वो भी हमारे घर का हिस्सा बनेगा, इसलिए हमें आगे सारे डिसीजन उसे ध्यान में रखकर ही लेने होंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ रवि, मैं समझ रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब जो चल रहा है इस घर में, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अब हम 2 से 3 होने वाले हैं, हमारा परिवार बढ़ने वाला है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ लैला को समझाना ही होगा। लेकिन रवि, वो समझेगी? उसे समझना ही पड़ेगा अंजलि, हमें उसे समझाना ही पड़ेगा कि लैला अब इस घर में नहीं रह सकती। रवि उठ जा बेटा, सवेरा हो गया। रवि पूरा कमरा अच्छे से चेक करो, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाथ की नस कटी हुई थी, देखकर ऐसा लगता है कि सुसाइड किया है। क्या कुछ परेशान थे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल रात को ही हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया, उसके बाद मैं माजी के साथ उनके कमरे में सोने चली गई थी। दरअसल कुछ दिनों से मैं माजी के साथ ही सो रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए। और आप लोग कौन है? सर मैं रवि का दोस्त हूँ और ये इनकी पत्नी है। ये दोनों कुछ दिनों से हमारे साथ ही रह रहे हैं और ये माजी मेरी सासू माँ, इन्होंने रवि की डेड बॉडी को पहले देखा था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा आत्महत्या क्यों करेगा? कोई दिक्कत नहीं थी, सब ठीक चल रहा था। माँ जी, हम तहकीकात में सब कुछ पता कर लेंगे, बाकी जो भी है
वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शहर छोड़कर कोई नहीं जाएगा। अम्मा जी पानी पी लीजिए। अम्मा जी मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? आपने कल से कुछ नहीं खाया है। क्या करूंगी खा के बेटा, मेरा तो बेटा ही नहीं रहा। अम्मा जी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। बोलिए ना। भाभी दरअसल ना रवि के ऊपर ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर था, बॉस से उसकी लड़ाई भी होती रहती थी, बॉस ने ना उसे ऑफिस से निकालने के लिए धमकी भी दी थी, तो कहीं रवि ने इसलिए तो आत्महत्या। नहीं, मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं था, ये जरूर कोई और बात है। मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अम्मा जी आप शांत हो जाइए। इस बुढ़िया को संभालना मुश्किल हो रहा है, जब देखो तब रोती ही रहती है। लेकिन वो भी तुम अच्छे से संभाल लोगी, पता है मुझे। जैसे रवि को संभाला था वैसे। मक्खी की तरह निकालना चाहता था मुझे, सामान समझ के रखा था उसने मुझे। लेकिन उसे क्या पता कि तुम कोई सामान नहीं हो, तुम तो मेरी जिंदगी हो। तभी तुम, मैंने जब गुड न्यूज सुनी थी ना, मुझे तभी पता चल गया था कि अभी हमें इस रवि की कोई जरूरत नहीं हमारी जिंदगी में। और वैसे भी होने वाले बच्चे को तो हम साथ में बड़ा करेंगे, उसे एक अच्छी परवरिश देंगे। वैसे मानना पड़ेगा लैला तुम्हें, उस रात तुमने। देखो लैला अब बस बहुत हो गया, ये जो सब कुछ चल रहा है ना अभी और नहीं चलेगा। मैंने और अंजलि ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्यों? और मेरा क्या? तुम दोनों का जब मन किया मुझे तुम दोनों के बीच लाया और जब मन किया निकाल के फेंक दिया। तुम लोगों ने मुझे क्या दूध में गिरी हुई मक्खी समझ के रखा है? लैला एक तो धीरे बोलो, अम्मा घर में है और अंजलि बताओ ना तुम भी तो यही चाहती हो। चाहती हूँ तुम्हें, तुम्हें नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कल ही तो हमने सब इस बारे में बात की थी और तुमने मेरी सारी बातें मानी भी थी। अंजलि मानी थी लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे और लैला को अलग कर देना चाहते हो। देखो रवि, अगर लैला इस घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ ही जाऊंगी। अंजलि बहुत हुआ तुम्हारा बचपना, ये सब कुछ मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। और लैला तुम निकलो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अंजलि पक्का? पक्का। मुझे निकालने चला था, अब खुद इस दुनिया से निकल गया। रवि की हाथ की नस काटी और पुलिस ने समझा रवि ने आत्महत्या कर ली। बस ये पुलिस केस बंद हो जाए, फिर ये सारी प्रॉपर्टी हम हमारे नाम करेंगे और बेच देंगे, फिर एक नए से शहर में एक नई सी जिंदगी जिएंगे हमारे बच्चे के साथ। यार कमाल है, कमाल के घटिया निकले तुम दोनों यार। ये मतलब
मेरा दोस्त रवि जरा इस अंजलि के प्यार में पागल अपनी ही कब्र खोद रहा था। समझाया था मैंने उसे, शायद देर हो चुकी थी। क्या बकवास है ये? निकलो मेरे कमरे से बाहर। कमरे से निकलोगे तो तुम दोनों यहाँ से। पूछो कैसे? मैंने तुम्हारी पूरी बात इस फोन में रिकॉर्ड कर ली और इस वीडियो को पुलिस को भी भेज दिया। तुमने हमारे दोस्त को मारा ना, तुम दोनों को कोई बचा नहीं सकता। बकवास बंद करो, ये फोन मुझे दो। इन दोनों ने मेरे दोस्त रवि को मारा है। मैंने आपको वीडियो भी भेजा था। ले चलो दोनों को। अरे ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? मेरी बहू को कहाँ ले जा रहे हैं? पेट से है ये। अभी आपकी बहू ने आपके बेटे का खून किया है। क्या? हमें इन दोनों को अरेस्ट करना होगा। हाँ माँ जी, सही कह रही है। ये देखिए वीडियो। रवि की हाथ की नस काटी और पुलिस ने समझा रवि ने आत्महत्या कर ली। ले चलो दोनों को। अम्मा जी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए अम्मा जी।